नमस्कार फ्रेंड, शोभा की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्लीव्स पे हम पाइपिंग कैसे लगाते हैं, वो भी सिंगल नहीं डबल पाइपिंग हम लोग कैसे लगाते हैं, कुर्ते के मैचिंग और एक सलवार के मैचिंग। शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं डबल पाइपिंग लगाना। ये स्लीव्स में मैं आपको डबल पाइपिंग लगाना बता रही हूँ। स्लीव्स की मैंने कटिंग कर ली है और एक इंच की मैं एक ये ले रही हूँ मैरून कलर की पाइपिंग और एक इंच की हम लोगों को सेम यही पाइपिंग लेनी है। दोनों पाइपिंग हम लोग कैसे लगाएंगे, सबसे पहले जो हमने एक इंच की पट्टी ली है इसको यूँ डबल करके एक टक हम लोग इस जगह पूरे में लगा देंगे और इसको भी हम लोग इस जगह रख के इसको सिंगल रखना है। इस पट्टी को फ्रेंड्स एक बार वापस बता रही हूँ, इस वाली को डबल करना है क्योंकि ये पाइपिंग हमें नीचे देनी है और ये ऊपर हमें मैरून देनी है। तो मैरून वाली पट्टी को हम लोगों को यहाँ सिंगल रख के पहले हम लोग एक टक लगा दें। पट्टी लगने के बाद फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास रेडी है। अब हम लोग इस कपड़े को जिसकी पाइपिंग दिखानी है इतना फोल्ड कर लेंगे हम लोग, पट्टी को यूँ फोल्ड करके और स्लीव्स को इतना फोल्ड करना है हम लोगों को। पाइपिंग की चौड़ी फ्रेंड्स आप पे है कि आपको ज़्यादा चौड़ी रखनी है तो आपको दोनों पाइपिंग की चौड़ी रखनी पड़ेगी। अभी मैंने जितनी नीचे रखी है उतनी ही ऊपर वाली पट्टी की भी चौड़ाई रखते हुए इस तरीके से हम लोग इस पूरी पट्टी को सिलाई लगाते हुए आ जाएंगे। ये सेट कर देना हाथ से, ये इजीली हो जाएगी, नहीं तो आप इसको प्रेस से भी सेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ये पूरी सिलाई लगा दी। इसलिए हमारे पास ये डबल पाइपिंग हमारी इस तरीके से रेडी हो जाएगी। पाइपिंग लगने के बाद हम एक प्रेशर कुकर के पीछे इस जगह पे एक सिलाई लगा देंगे। से देखिए स्लीव्स हमारी बहुत बढ़िया यूँ पाइपिंग रेडी है। फ्रेंड्स ये स्लीव्स हमारे पास रेडी हैं। अभी देखिए दोनों पाइपिंग हमारे पास ही कितनी सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको दो टिप्स देना चाहती हूँ। फर्स्ट तो जो हमने ये दो पट्टियाँ लगाई हैं वो दोनों हमने 1.5 इंच की या 1 इंच की लेते हैं और अगर कपड़ा कम है तो हम 1.25 इंच की ले लेते हैं। और इसमें सेकंड टिप बताना चाहती हूँ कि इसमें जो हम लोग 3 पट्टियाँ भी लगा सकते हैं और यही डिज़ाइन जो हम लोग नेक पे भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस तरह आप हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सिलाई सीखते रहिए। धन्यवाद।